जानते हैं, बहुत लोग जानते भी होंगे कि हमारी बॉडी में जो चक्रास हैं वो 7 चक्रा होते हैं। ये बात तो सब जानते हैं, है ना? रूट चक्रा है, देन आपका स्वाधिष्ठान चक्रा है, मणिपुर चक्रा है, देन अनाहता है, विशुद्धि है, अजना है, सहस्रार है। इसको मैं इंग्लिश में भी बोल देती हूँ। रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, देन आपका सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा। ये तो इन जनरल सबको पता है, कलर्स भी पता है, काफी लोगों को बीज मंत्रास भी पता है। वो अलग बात है कि मैं आपको कोर्स में ये सब भी कवर करवाऊं। अब इसके अलावा दो मेन चक्रास होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गुरु चक्रास, और जिनके नाम है भ्रिकुटी और त्रिकुटी। ये भ्रिकुटी और त्रिकुटी क्या है और ये कहाँ होते हैं? अगर कोई किसी को पता है, कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज जरूर कीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। मैंने अनम्यूट कर दिया, आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं। भ्रिकुटी और त्रिकुटी के बारे में कोई जानता है? तो ये जो दो गुरु चक्रास है ये भी आपके इस कोर्स में है, हुंकारा विद हलीम में ही आते हैं। इनको हम एक्टिवेट करके हम ब्रह्म नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। तो भ्रिकुटी और त्रिकुटी है कहाँ, मैं आपको इसकी प्लेसमेंट्स बताती हूँ। आप लोग मेरे कंप्यूटर के माउस को जरा ध्यान से देखेंगे, ये हमारा सहस्रार चक्र है और ये है हमारा अजना चक्र। मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी आए। क्लियर है? ये अजना चक्र और सहस्रार चक्र, मतलब थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र के बीच में, यहां पर हमारी हेयर लाइन होती है। हेयर लाइन का क्या मतलब हुआ? यहां पर आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ इट बट वो आ नहीं रहा है, मे बी कुछ छोड़ दें। अंशु जी आप बताएं, क्लियर हो रहा है यहां से भी? तो यहां पर जो ये है हेयरलाइन होती है हमारी, और हमारा ये जो अजना चक्र होता है इसके बीच में ये दोनों चक्रास होते हैं। एक हेयरलाइन पर होता है और एक हेयरलाइन के नीचे होता है, यहाँ पर। तो जो जो हमारा थर्ड आई है, थर्ड आई के जस्ट ऊपर होता है भ्रिकुटी, और यहाँ पर जो है हेयरलाइन के जस्ट ऊपर होता है त्रिकुटी, और इन दोनों को एक्टिवेट कर कर आप अपनी ब्रह्म नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? अब ये चक्रास क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम 8th और 9th चक्रास कहा कहते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज 8th एंड 9th चक्रास। जो हमारा 3 एनर्जी चैनल्स होते हैं जिसे हम नाड़ी कहते हैं, सबको पता है ईडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ीज जो होती हैं, वो हमारी जो नाड़ीज हैं, जैसे ईडा जो नाड़ी है उसको हम सन नाड़ी कहते हैं, सूर्य नाड़ी कहते हैं, जो पिग्डा है, पिंगला है, उसे हम मून नाड़ी कहते हैं, चंद्र नाड़ी कहते हैं, और जो सुषुम्ना है वो सेंट्रल चैनल है। जब हम इन तीनों को एक्टिवेट करते हैं तो वहां पर हमारी ब्रह्म नाड़ी एक्टिवेट होती है और वो यहाँ आकर थर्ड आई और क्राउन चक्र के बीच में उसका सेंटर है। तो इस तरह से हम अपनी नाड़ी को कंट्रोल करते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा।